हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ज्ञापन अकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का नया चैप्टर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इस चैप्टर में आप लोगों को इंसान की आँख के बारे में पढ़ना है कि कैसे हम लोग देख पाते हैं, आँख का स्ट्रक्चर कैसा है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को इस चैप्टर में जानना है। और इस चैप्टर में ना नॉलेज तो ठूस ठूस कर भरा हुआ है, इसीलिए ये सिर्फ मैट्रिक वाले के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे तो मैट्रिक वाले पढ़ रहे हैं क्योंकि उनके लिए एग्ज़ाम देना ज़रूरी है और उनके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन वैसे ये हर सभी लोगों को जानना चाहिए, हर इंसान को जाना चाहिए। बेसिक नॉलेज है आँख के बारे में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मानव नेत्र इंसान का आँख पांच सेंस ऑर्गन में से सबसे पहले नंबर पर आता है, इसीलिए आँख बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग इमेजिन कीजिएगा ना आँख बंद कर कर कि जिसके पास आँख नहीं हो वो कैसा फील करता है। एक बार आँख बंद कर कर देखिएगा, आँख बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आँख नहीं रहेगा तो हम इस रंग बिरंगी दुनिया को नहीं देख सकते हैं। आँख नहीं रहेगा तो हम सिर्फ टच कर कर, कान से सुन कर बता सकते हैं कि वो कौन सी चीज़ है, लेकिन जब तक हम लोग देखेंगे नहीं उसके कलर यानी कि रंग को नहीं मालूम, नहीं बता सकते हैं। और इसीलिए इस चैप्टर का नाम है मानव नेत्र यानी कि ह्यूमन आई तथा रंग बिरंगा संसार यानी कि कलरफुल दुनिया, ठीक है, कलरफुल वर्ल्ड यानी कि रंग बिरंगे दुनिया को देखने के लिए आँख इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ों को जानना है। आँख जो होता है वो कैमरे के समान होता है, यानी कि आँख को लगभग कैमरे के समान ही माना जाता है, क्योंकि कैमरे में क्या होता है, उत्तल लेंस होता है और आँख में भी उत्तल लेंस होता है, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, ठीक है। और आप लोग अपने आँख को शीशे में देखिएगा, आँख का जो सबसे ऊपर वाला झिल्ली दिखाई देगा आप लोगों को शीशे में, सबसे ऊपर वाला झिल्ली जिसे आँख ढका हुआ रहता है, पैक रहता है, उसी झिल्ली को बोला जाता है कॉर्निया, यानी कि स्वच्छ मंडल हिंदी में बोलते हैं। और देखिए, यहाँ पर फिगर भी मैं बना दी हूँ। ये सामने वाला आँख है, जैसे कि मैं सामने देख रही हूँ, ये वाला आँख यहाँ पर है और ये साइड वाला आँख है। ये पूरा आँख का अंदर का भी स्ट्रक्चर, आंतरिक भाग भी बना दी हूँ मैं, ठीक है। तो ये सामने वाला है, ये साइड वाला है, जैसे कि मैं साइड देख रही हूँ, ये वाला आँख ही है, पूरा अंदर का मैं बना दी हूँ फिगर, और आप लोगों को पढ़ना भी है, ठीक है। तो देखिए, स्वच्छ मंडल कॉर्निया तो समझ में आ गया, आँख की ऊपर वाली झिल्ली स्वच्छ मंडल कहलाती है। और ये स्वच्छ मंडल को क्या बोला जाता है, प्रकाश का प्रवेश द्वार बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जब आँख पर लाइट आएगी तो सबसे पहले कॉर्निया पर ही जाएगी ना, तब ना आँख के अंदर जाएगी, पहले कॉर्निया पर पड़ेगी, इसीलिए कॉर्निया को क्या बोला जाता है, प्रकाश का प्रवेश द्वार। और ये पारदर्शी होता है, यानी कि इसमें से प्रकाश आर पार हो जाता है, ठीक है। और क्योंकि ये आँख का सबसे ऊपर वाला झिल्ली होता है कॉर्निया, इसीलिए आप लोगों का जब आँख खराब हो जाता है, धुंधला दिखता है ना, वो इसलिए धुंधला दिखता है क्योंकि यही कॉर्निया घिस जाता है। मान लीजिए आप लोग साफ झिल्ली लेकर आएंगे, पतला झिल्ली जो प्लास्टिक मिलता है, उसको एक तरफ से दूसरी तरफ देखेंगे तो साफ साफ दिखाई देगा, और उसको घिस कर ला कर देखेंगे तो धुंधला दिखाई देगा। उसी तरह यहाँ आँख का झिल्ली जो होता है ना, घिसा नहीं रहता है तो आपको क्लियर हर चीज़ दिखाई देगा। जैसे ही आँख का झिल्ली कॉर्निया घिस जाएगा, कॉर्निया के घिस जाने की वजह से कोई भी चीज़ धुंधला दिखाई देने लगता है। तो अब यहाँ पर इसको ठीक करने के लिए पूरा आँख को नहीं चेंज करवाया जाता है, बस इस झिल्ली को हटा दिया जाता है और नया झिल्ली लगवा लिया जाता है, मतलब कॉर्निया को चेंज किया जाता है जब आँख से धुंधला दिखाई देता है, ठीक है। और उसके साथ साथ इंसान जो होता है ना, मर जाता है, जिसकी मृत्यु हो जाती है, वो मृत्यु होने के 6 घंटे तक वो आँख को नेत्रदान कर सकता है, यानी आँख को डोनेट कर सकता है। मृत्यु हो गई, 4 से 6 घंटे के अंदर उसको डोनेट कर देना है, अगर 6 घंटे से ज़्यादा होगा तो वो आँख को डोनेट नहीं कर सकता है। और लगभग वो पूरा आँख थोड़ा ना निकाला जाता है नेत्रदान करने के लिए, डोनेट करने के लिए, नेत्रदान करने के लिए सिर्फ ये ऊपर वाला कॉर्निया निकाल लिया जाता है, ठीक है। और इसको निकालने में लगभग 10 से 15 मिनट लगता है, ठीक है। आगे बढ़े, अब देखिए शीशे में देखिएगा अपने आँख को, जो व्हाइट वाला भाग होता है आँख का, जो सफ़ेद वाला भाग, उसको बोला जाता है स्क्लेरा, यानी कि श्वेत पटल। श्वेत मतलब होता है सफ़ेद, और आँख के सफ़ेद भाग को श्वेत पटल बोलते हैं। ये जो सफ़ेद भाग है यहाँ पर दिख रहा है सफ़ेद भाग, इसको क्या बोलते हैं, स्क्लेरा, ठीक है, ये सफ़ेद वाला भाग। और ज़्यादातर ये सफ़ेद वाला ही भाग पाया जाता है, अंदर तक भी सफ़ेद ही होता है, ठीक है। और ये तो ऊपर वाला झिल्ली हो गया, क्या, कॉर्निया, ये ऊपर वाला झिल्ली, ठीक है, ऊपर वाले झिल्ली को जिससे आँख पैक रहता है, ठीक। आगे बढ़े, ये सफ़ेद वाला भाग जो होता है वो अपारदर्शी होता है, मतलब इसमें प्रकाश आर पार नहीं हो सकता है इस सफ़ेद वाले भाग से, इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इस सफ़ेद वालों को छोड़कर आप लोगों को बीच में गोल दिखाई देता होगा काला कलर का भाग, इसको बोला जाता है आइरिस, यानी कि हिंदी में बोला जाता है परितारिका। देखिए यहाँ पर आइरिस है ना, गोल, इसी को क्या बोलते हैं, आइरिस। और ये 3 कलर का होता है, ब्लू, ब्लैक और ब्राउन,
तीन कलर का होता है, ज़्यादातर लोगों में ये ब्लैक कलर का होता है, ये आयरिस बीच वाला गोल वाला ब्लैक कलर का होता है। कम ही लोगों में देखा जाता है कि उसका आयरिस ब्लू या फिर ब्राउन है, ज़्यादातर लोगों का ब्लैक ही देखा जाता है, ठीक है। और ये क्या करता है, इस आयरिस का काम क्या है, इस आयरिस का काम है कि ये प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करता है, यानी कि प्रकाश जो है ना आँख में कितना आना चाहिए कितना नहीं आना चाहिए कौन कंट्रोल करता है, आयरिस करता है। अगर ज़्यादा प्रकाश आएगा ना आँख में तो ये सिकुड़ जाता है, आयरिस क्या होता है सिकुड़ जाता है, और कम प्रकाश रहेगा तो ये फैल जाता है। इसीलिए जब आप लोग बाहर धूप में निकलते हैं तेज़ धूप में तो देखते हैं आयरिस सिकुड़ जाता है, और जैसे ही आप लोग रूम के अंदर आते हैं कमरे में तो कमरे में लाइट कम होता है तो आप लोगों को दिखाई नहीं देता है, क्योंकि आयरिस सिकुड़ा हुआ रहता है और वो अंधेरा चारों तरफ दिखाई देता है, और थोड़े देर के बाद धीरे धीरे साफ़ होता है और एक दो मिनट के बाद क्लियर दिखाई देने लगता है, क्योंकि यहाँ पर आयरिस धीरे धीरे फैलता है, और फैलने की वजह से पूरे अच्छे तरीके से फैल जाएगा तो सब चीज़ क्लियर दिखाई देगा। तो बाहर धूप में गए तो आयरिस सिकुड़ गया क्योंकि ज़्यादा प्रकाश था, और रूम में आए तो कम प्रकाश था इसीलिए आयरिस क्या हुआ फैल गया, ताकि आप रूम की भी चीज़ों को अच्छे से देख पाएँ, ठीक है। आगे बढ़े, देखिए अब देखिए ये जो ब्लैक कलर वाले को आप क्या बोल दिए आयरिस, अब इस आयरिस के अंदर भी एक और छोटा सा गोल होता है, ये देखिए यहाँ पर ये छोटा सा गोल। अब इस आयरिस ये तो पूरा हो गया परितारक का, इसको क्या बोल देंगे, इसको पुतली नहीं बोलेंगे, इस बड़ा वाले को, इस बड़ा वाले गोल को तो आप लोग आयरिस बोलेंगे। अब इस बड़ा वाले गोल के अंदर एक छोटा सा एक और गोल होता है ये वाला, इसको बोला जाता है प्यूपिल यानी कि पुतली, इसको क्या बोलते हैं प्यूपिल। इसमें देखिए इसमें ये पूरा सफ़ेद वाला भाग क्या हो गया श्वेत पटल, ये सफ़ेद वाला भाग श्वेत पटल हो गया, और ये वाला क्या हो गया ये पूरा ये हो गया आप लोगों का आयरिस, ये वाला जो बना है वो ये है, ठीक है ये तो ये क्या हो गया आप लोगों का आयरिस, और ये यहाँ पर है पुतली। इस अगर इस तरह देखा जाए तो ये है आप लोगों का आयरिस, और ये छोटा सा है यहाँ पर, ये क्या हो गया पुतली प्यूपिल, ठीक। अब इस पुतली का काम क्या है, पुतली का काम है प्रकाश को लेंस पर भेजता है। आँख में कौन सा लेंस होता है, देखिए ये है, ये कौन सा लेंस है उत्तल लेंस है, तो आँख में उत्तल लेंस होता है, और पीपल क्या करता है प्रकाश को जो भी इधर से लाइट जाएगी इसको इस लेंस पर भेजता है, ठीक है। अब यहाँ से तीन क्वेश्चन पर ध्यान रखिएगा, यहाँ से तीन क्वेश्चन पूछता है, प्रकाश का प्रवेश द्वार क्या है, तो कॉर्निया है क्योंकि कॉर्निया पर लाइट आता है। तो अगर पूछेगा कि प्रकाश का प्रवेश द्वार तो आप लोग बोलेंगे कॉर्निया, और अगर पूछेगा कि प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण कौन करता है, प्रकाश की मात्रा का कंट्रोल कौन करता है, तो वो करेगा कौन आयरिस, कितना प्रकाश अंदर आएगा आँख के ये कौन कंट्रोल करेगा आयरिस करेगा। और अगर पूछेगा कि प्रकाश को लेंस पर कौन भेजता है, तो प्रकाश को लेंस पर भेजता है आप लोगों का पुतली यानी कि प्यूपिल, ठीक है। और ये भी फैलता और सिकुड़ता है, जब आयरिस फैलेगा तो ये प्यूपिल भी फैलता है पुतली भी फैलता है, और आयरिस सिकुड़ता है तो पुतली भी क्या होता है सिकुड़ जाता है। आगे बात करते हैं नेत्र लेंस, तो समझ में आ गया नेत्र लेंस उत्तल लेंस होता है हम लोगों के आँख में, कौन सा लेंस होता है उत्तल लेंस। आगे बात करिए सिलियारी या पक्षमावी पेशिया की, सिलियारी या पक्षमावी पेशिया क्या होता है, ये जो रेड रेड कलर का दिखाया है ना यहाँ पर, ये रेड रेड कलर की, इसी को बोला जाता है पक्षमावी पेशिया। ये दोनों पक्षमावी पेशिया इस हम लोगों का आँख का जो लेंस है इसको पकड़े रहती है, क्या की रहती है पकड़े रहती है। और इस सिलियारी मांसपेशिया का काम ये होता है कि लेंस की फोकस दूरी कम या ज़्यादा करती है, और इसीलिए हम दूर भी वस्तु रखा रहता है तो देख लेते हैं और नज़दीक भी वस्तु रहता है तो देख लेते हैं, क्यों, क्योंकि यही पक्षमावी पेशिया फोकस दूरी को कम या ज़्यादा करती है। कैसे, जब वस्तु दूर रहता है ना तो ये पक्षमावी पेशिया क्या करती है इस तरह लेंस को पकड़ी रहती है और पकड़ कर इस तरह खींच देती है। जब लेंस को इस तरह खींच देंगी तो लेंस पतला हो जाएगा, और पतला हो जाएगा तो देखते हैं कोई भी चीज़ पतला रहती है तो उसमें से प्रकाश चीर कर दूर तक जाता है, तो इसमें से जब लेंस खींच कर पतला कर देगा, लेंस को खींच कर क्या कर देगा पतला कर देगा ये पक्षमावी पेशिया, तो इसमें प्रकाश दूर तक जाएंगी, और इसीलिए दूर पर जाएंगी तो फोकस दूरी ज़्यादा होगी, और फोकस दूरी ज़्यादा होने से हम दूर की वस्तु को देख पाएंगे, इसीलिए दूर की वस्तु को देख पाते हैं। और जब नज़दीक रहती है कोई भी वस्तु तो क्या करता है ये लेंस पक्षमावी पेशिया, ये क्या करती है पक्षमावी पेशिया इस लेंस को ढीला कर देती है, छोड़ देती है लेंस को छोड़ देती है। अब जब छोड़ देती है तो लेंस मोटा हो जाता है, इस तरह मोटा हो जाने की वजह से देखते हैं कोई भी चीज़ मोटा होता है तो प्रकाश दूर तक चीर कर नहीं जा पाती, पास ही में मिल जाती है। और जब ये लेंस मोटा हो जाता है तो इसकी फोकस दूरी कम हो जाती है, और फोकस दूरी कम होती है इनकी पास में किरणें मिल जाती है, इसीलिए हम नज़दीक की वस्तु को देख पाते हैं। तो पक्षमावी पेशिया का काम क्या है, फोकस दूरी कम या ज़्यादा कर देती है जिसे हम दूर और नज़दीक की वस्तु को देख पाते हैं, और कोई काम नहीं है इसका। तो यहाँ पर मैं लिख भी दूँ, जब वस्तु दूर रहती है तो लेंस पतला कर देता है, लेंस को पतला कर देती है पक्षमावी पेशिया, और वस्तु अगर निकट यानी कि नज़दीक रहता है तो ये मोटा कर हो जाता है आपका लेंस, ठीक है।
यहाँ पर देखिए न्यूनतम दूरी जो हम लोग को देखने की न्यूनतम दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर है, यानी कि 25 सेंटीमीटर से नज़दीक की वस्तु को ना हम उतना अच्छा से नहीं देख पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 25 सेंटीमीटर आँख और वस्तु के बीच होना चाहिए तब हम क्लियर देख पाएंगे, उससे नज़दीक लेकर आएंगे तो उतना साफ नहीं दिखाई देगा। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या है, तो न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम 25 सेंटीमीटर की वस्तु को नज़दीक की वस्तु को देख पाएंगे। दूर तो कितना भी दूर तक हम देख सकते हैं अनंत, लेकिन नज़दीक बस 25 सेंटीमीटर। ठीक है, लीजिए यहाँ तक फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे समझिए नेत्रोध या जलीय द्रव। नेत्रोध क्या है? देखिए ये जो लेंस है, ये लेंस दिख रहा है, इस लेंस और ये कॉर्निया है, इन दोनों के बीच ये लिक्विड भरा रहता है, लिक्विड से ये फुलफिल रहता है, इस लिक्विड को क्या बोला जाता है? नेत्रोध। और ये एक जलीय द्रव होता है, जलीय द्रव, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? नेत्रोध। लेंस और कॉर्निया के बीच लिक्विड भरा रहता है, उसी लिक्विड को क्या बोलते हैं? नेत्रोध बोलते हैं। और ये पारदर्शक द्रव होता है, यानी कि इसमें से प्रकाश जो है ना आर पार हो सकता है, इसीलिए इसको पारदर्शक द्रव बोला जाता है। अब देखिए अगला है कोरोइड। कोरोइड क्या है? ये जो साइड साइड का दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं कोरोइड, इसी को कोरोइड बोलते हैं। देखिए क्या है? कोरोइड। और इसका काम क्या है? इसका काम है कि प्रकाश की मात्रा का अवशोषण। अब यहाँ से लाइट अगर जाता है, लेंस से पढ़कर इधर इमेज बनता है, तो ये साइड में अगर अगर लाइट गलती से चला गया तो वो क्या करता है? लाइट को अवशोषित कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। तो इस कोरोइड का काम क्या है? ऑब्जर्वेशन, अवशोषण कर लेना। ठीक है, अगला है रेटिना या दृष्टिपटल। रेटिना या फिर दृष्टिपटल क्या है? देखिए इमेज ये है रेटिना, ये पूरा क्या है? ये रेटिना है, ये एक क्या बोला जाता है? पर्दा है, जहाँ पर इमेज बनता है। इसी पर्दे पर यहाँ से अगर प्रकाश जाता है और किरणें यहाँ पर आकर मिलती है तो इधर ही आकर इमेज बनता है, एक तरह से स्क्रीन का काम होता है। प्रोजेक्टर देखें, प्रोजेक्टर चलाया जाता है और उसमें से लाइट निकलता है, तो पर्दे पर जो आगे पर्दा लगा रहता है उस पर चलने लगता है, तो वही पर्दा होता है ये, वही स्क्रीन होता है ये, इधर से लाइट जाता है आँख से और इसी पर्दे पर इमेज बनता है। और वो इमेज कैसा होता है? वास्तविक, यानी कि रियल होता है, क्योंकि रियल में किरणें जाकर मिलती हैं, और उल्टा होता है, उल्टा उल्टा बनता है और बहुत ही छोटा बनता है। लेकिन देख रहे हैं ये टोटल रेटिना है और इससे ये बहुत सारे जो तंतु निकले रहते हैं, बहुत सारे तंतु देखिए यहाँ पर आकर मिले रहते हैं, फिर यहाँ से ये तंतु, ये रेटिना से जितने भी तंतु निकले रहते हैं वो तंतु माइंड में जाकर जुड़े रहते हैं। और जो वास्तविक उल्टा और बहुत ही छोटा प्रतिबिंब बनता है ना, ये माइंड को जाकर बोलते हैं कि बहुत वास्तविक बना है, उल्टा बना है और छोटा बना है। तो माइंड क्या कर देता है? माइंड तो हम लोगों का दिमाग बहुत ही तेज़ है, वो उसको सीधा बना देता है, जो उल्टा रहता है उसको सीधा कर देता है और छोटा रहता है तो जिस तरह वस्तु है उसके बराबर कर कर हम लोगों को दिखा देता है माइंड। तो यहाँ पर रियल में तो हम लोगों के रेटिना पर वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन माइंड उसको सीधा और बड़ा कर कर दिखा देता है। और यहीं से यही जो है ना रेटिना प्रतिबिंब की संवेदना दिमाग तक, यहीं से दिमाग इंफॉर्मेशन लेकर जाता है, यहीं से रेटिना दिमाग तक इंफॉर्मेशन लेकर जाता है। ठीक है, आगे देखिए कचाप द्रव। ये लेंस और ये रेटिना, इन दोनों के बीच ये लिक्विड भरा होता है, लिक्विड होता है, उसी लिक्विड को बोला जाता है कचाप द्रव। क्या बोलते हैं? कचाप द्रव। ये आँख के बीच कचाप द्रव भरा होता है ताकि ये हम लोगों का आँख है वो गोल बना रहे, चपटे नहीं, ऐसे नहीं रहता तो ये आँख ऐसे चपटा हो जाता, लेकिन इसके बीच यही द्रव भरा रहता है जिससे कि आँख हम लोगों का एकदम चपटा नहीं होता। इस तरह आप लोग आँख को दबाएंगे तो नहीं चपटेगा, क्यों नहीं दबेगा, इसके अंदर कचाप द्रव भरा रहता है इसीलिए। ठीक है, आगे देखिए येलो स्पॉट क्या है? पीत बिंदु। ये जो रेटिना का जो सेंटर होता है, अगर मैं बोलूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक रेटिना है, इसका बीच का बिंदु ये है, बीच का बिंदु, और यहाँ पर ही सबसे रियल और HD इमेज बनता है। यहीं पर HD किसी भी वस्तु का रियल इमेज बनता है, HD बनता है, HD में बहुत ही साफ और क्लियर दिखाई देता है। यही बीच वाले बिंदु को बोला जाता है येलो स्पॉट, यानी कि पीत बिंदु। ठीक है, तो रेटिना का बीच का बिंदु क्या कहलाता है? पीत बिंदु कहलाता है। यहीं पर आपका इमेज क्लियर और HD बनता है। ठीक है, आगे देखिए ब्लाइंड स्पॉट क्या है? अंध बिंदु। ये जो रेटिना का जितने भी ये तंतु गए हैं रेसे रेसे, इसको तंतु बोला जाता है, यहाँ पर आकर मिल रहे हैं ना सब, यहाँ पर आकर ज्वाइंट हो रहे हैं, इसी को बोला जाता है अंध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। और यहाँ से अब जितने भी तंतु हैं सब जाते हैं ब्रेन तक, इसको बोला जाता है प्रकाशिक तंतु। ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ये सारा क्या जाता है? माइंड तक गया रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आ गया येलो स्पॉट क्या है और ब्लाइंड स्पॉट क्या है। लीजिए बस इतना ही आप लोगों को आँख के बारे में जानना था। लीजिए यहाँ तक फटाफट स्क्रीनशॉट।
तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, आप सारी चीज़ें आँख के बारे में जान गए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।